मॉर्निंग फ्रेंड्स, टीम शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज 9 मई है। आज के करंट अफेयर अपडेट से शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स, मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के उपलक्ष में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्चुअल टूर का शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था फ्रेंड, गुरुदेव द जर्नी ऑफ द मैस्ट्रो थ्रू इज विजुअल वोकैबुलरी। आइए आज का पहला क्वेश्चन। केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 मई से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी? इसका सही आंसर है बी, वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे हुए 14,800 भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया तथा उसकी सह कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा 64 विमानों के थ्रू 14,800 भारतीयों को लाया जाएगा। दोनों कंपनियां इस मिशन के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है सी, 9,304। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रेंड्स 9,304 सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में पदों की समाप्ति के लिए प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल में ही कहा है कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15,00,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर है डी, 2 वर्ष। 2 वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15,00,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका सही आंसर है बी, डीपीएस नेगी 1985 के आईईएस बैच के हैं, इंडियन इकोनॉमी सर्विस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए, दिया मिर्जा का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 2 साल और कार्यक्रम बढ़ा दिया है। अब दिया मिर्जा 2022 तक उनका कार्यकाल हो गया है। दिया मिर्जा यूएन में भी विशेष दूत के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही अमेरिकी पत्रिका फोक्स ने फोक्स इंडियन बिलेनियर लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी, मुकेश अंबानी फोक्स इंडिया बिलीनियर लिस्ट में प्रथम स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 36.8 बिलियन US डॉलर है। हालांकि मुकेश अंबानी की संपत्ति में 13.2 बिलियन US डॉलर की कमी भी आई है। फोक्स पत्रिका के अनुसार दूसरे स्थान पर राधा कृष्ण धामनी है, जिनकी कुल संपत्ति 13.2 बिलियन US डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस संस्था द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ? इसका सही आंसर है फ्रेंड बी, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है? इसका सही आंसर है सी, मिशन मोड।
मिशन मोड कार्यक्रम के अनुसार जागरूकता अभियान का कृषक आंदोलन किया गया है। मिशन मोड क्या कहता है फ्रेंड? मिशन मोड का कहना है कि उसे 1,00,000 गांवों को जागरूक करने के लिए ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 दिवसीय सैन्य साहित्य महोत्सव MLF कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है डी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 3 दिवसीय सैन्य साहित्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। चंडीगढ़ हरियाणा तथा पंजाब की ज्वाइंट कैपिटल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से किस संगठन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेशों के नक्शे तथा इन केंद्र शासित प्रदेशों का चित्रण भी भारत के नक्शे को तैयार किया है? इसका सही आंसर है सी, सर्वे जनरल ऑफ इंडिया। सर्वे जनरल ऑफ इंडिया ने लद्दाख और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के चित्रण वाला भारत के नक्शे को तैयार किया है। सर्वे जनरल ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है फ्रेंड। सर्वे जनरल भारत के इस समय गिरीश कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन बोर्ड अधिक स्थानीय विक्रेताओं को लाने के लिए हाल में ही सरकारी ई कॉमर्स पोर्टल जेम द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम बताएं। इसका सही आंसर है फ्रेंड डी, जेम संवाद। जेम संवाद कार्यक्रम का केंद्र सरकार द्वारा इस पोर्टल का शुरुआत किया गया है। जेम संवाद डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने अपने स्वदेशी तकनीक अंतरिक्ष ग्रेडली एंड सेल का उत्पादन स्थानांतरित कर दिया है किसमें? इसका सही आंसर है ए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में। फ्रेंड, इसरो के बारे में कुछ जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका इस हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, कर्नाटक में। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई है। आइए बेल के बारे में जानते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हैंड इन हैंड 2019 का आयोजन भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? इसका सही आंसर है डी, चीन। भारत और चीन के द्वारा हैंड इन हैंड 2019 का आयोजन किया गया था। आइए फ्रेंड्स चाइना के बारे में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चाइना की राजधानी बीजिंग है। चाइना के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है। चाइना की मुद्रा करेंसी का नाम रेमबीबी है, जिसको RMB से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर CMS वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत से प्रवासी जीवों की कुल संख्या कितने तक आती है? इसका सही आंसर है बी, 457 प्रजातियां आती हैं। फ्रेंड, CMS के इंग्लिश में पूरा नाम होता है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटेड स्पीस ऑफ वाइल्ड एनिमल। CMS का हेडक्वार्टर फ्रेंड्स जर्मनी के बॉन शहर में है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1983 में हुई है। भारत इसका सदस्य 1983 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में यूरेनियम ओटर ने खारे पानी के लैगून में फिशिंग कट के एक प्रजनन आबादी की उपस्थिति पाई है? इसका सही आंसर है फ्रेंड डी, ओडिशा। आइए फ्रेंड ओडिशा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक है। ओडिशा के राज्यपाल का नाम गणेशी लाल है। ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस का नाम जस्टिस मोहम्मद रफीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी
2020 का विजेता था? इसका सही आंसर है ए, पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब यूनिवर्सिटी, भारतीय विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का विजेता था। पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना सन 1882 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। फिर विभाजन के बाद 1947 में विभाजन के बाद भारत में कुछ समय के लिए यह यूनिवर्सिटी दिल्ली तथा शिमला में रहा। फिर यह यूनिवर्सिटी 1958 में चंडीगढ़ में इस शिफ्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट की वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर है फ्रेंड डी, 59 स्थान पर। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 59 पोजीशन पे है 2019 के रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस टीम ने फीफा के अंडर 17 विश्व कप ट्रॉफी का 18वां संस्करण जीता है? इसका सही आंसर है फ्रेंड ब्राजील। ब्राजील ने फीफा के अंडर 17 विश्व कप ट्रॉफी का 18वां संस्करण जीता है। ब्राजील की राजधानी फ्रेंड ब्रासिलिया है। ब्राजील का बड़ा शहर साओ पालो है। आइए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल में ही किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नाम एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? किस राज्य सरकार ने विकसित किया है फ्रेंड, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।